अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सरपरस्त हज़रात और प्यारे बच्चों, हम सबक पढ़ रहे हैं माहौल का मुताला हिस्सा दुवम जमात चारों का, सबक नंबर 12, पुरंदर का मुआसरा और सुलह। शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर छापामारी की तो उससे औरंगज़ेब बहुत बुरी तरह से गुस्सा गया और उसने यह ऐहद किया कि मैं मराठा हुकूमतों को नेस्तनाबूद कर दूँगा। उसने अपने बेहतरीन सिपहसालार दिलेर खान को बहुत सारे माल असबाब और असलाह के साथ रवाना किया ताकि वो हमला करके शिवाजी महाराज को नुकसान पहुंचाए और वहाँ का उनकी रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्जे में कर सके। दिलेर खान जो कि बहुत अच्छा और काबिल सिपाही था, इसलिए औरंगज़ेब ने उसका इंतखाब किया। इधर शिवाजी महाराज के पास में मोराजी बाजी थे जो कि बहुत अच्छे फौजी थे और सिपहसालार थे, हिकमत अमली और बहुत अच्छे अंदाज से जंग को अंजाम देते थे। जैसे ही पुरंदर के करीब ये फौज पहुंची तो मुग़लों की तोपें पुरंदर के किले पर बरसने लगी। गोला बारूद और बहुत सारे हमले उन्होंने किए, जहाँ जहाँ से हो सकता था उस तरह से उन्होंने हमले किए और लगातार हमले करने के सबब किले का एक बुरुज टूट गया, जिसकी बिना पर और जिसकी वजह से वो किले के अंदर दाखिल हुए और एक हिस्से को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। दिलेर खान और मुरारजी बाजी के साथ में घमासान जंग हुई और लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मुरारजी गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 मालवे साथियों का इंतखाब किया और जोश और हिम्मत के साथ मुग़लों पर दोबारा हमला कर दिया। बालाई किले का दरवाज़ा खुला, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मुरारजी और उनके मालवे साथी मुग़लों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक के बड़ी खून रंजी लड़ाई होती रही। मुग़लों की फ़ौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उनकी फ़ौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिर मुग़ल पसपा हो गए और वो जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए और इस जंग में बहुत भारी तादाद में दोनों का नुकसान हुआ। मुरारजी जो कि एक बहादुर और दिलेर सिपाही थे, वो जब देखे उन्होंने कि दिलेर खान किले के अंदर दाखिल हो रहा है तो अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और चिल्लाने लगे। मुरारजी भड़क गए, काट डालो, मार डालो, लाशें बिछा दो, इस तरह से चीखते हुए दुश्मन पर हमलावर हुए। उनकी तलवार ज़ोर से चलने लगी, किसी का सीना, किसी की गर्दन, किसी की टांग, जैसे भी होता जो भी सामने आता वो उसको कत्ल कर देते थे और आगे बढ़ते जाते थे। मुरारजी बाजी जो कि बहुत ही अच्छे सिपाही थे और सिपहसालार भी थे, किलेदार थे, इनकी बहादुरी और हिम्मत को देखकर दूसरे सिपाहियों में भी हिम्मत पैदा हुई और वो भी अच्छी तरह से और जंग को आगे बढ़ाते गए और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते गए। प्यारे बच्चों, मुरारजी बाजी इस जंग में शहीद हुए। मुरारजी बाजी के शहीद होने का जो रंज मलाल था वो सभी को था। सब